नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि मूंग की दाल, जी हाँ, मूंग की दाल की क्या क्या फायदे हैं। वैसे तो सभी दालों के अंदर पौष्टिक आहार होता है, पौष्टिक गुण होते हैं और प्रोटीन हर दाल में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बच्चों को, बूढ़ों को अधिक सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये मूंग की जो दाल है और दालों के अपेक्षा मूंग की दाल जो है वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। आमतौर पर जब आदमी बीमार हो जाता है या रोगी जो है उसको अच्छे तरीके से हल्के से खाना पचना हो तो उसके लिए उसको कहा जाता है कि आप मूंग की दाल का इस्तेमाल करें या मूंग की दाल का सूप पिए, जिससे आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से उसको आनंद ले सकें। मूंग की दाल की वैसे कई चीजें बनती हैं। कुछ लोग इसके पापड़ बनाते हैं, कुछ लोग इसकी बढ़िया बनाते हैं, कुछ लोग मूंग की दाल के लड्डू बनाते हैं, कुछ लोग मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं। मूंग की दाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाती है। जी हाँ, मूंग की दाल के वैसे बहुत से फायदे हैं। मूंग की दाल की खिचड़ी खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो मूंग की दाल की खिचड़ी खाइएगा, आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। मूंग को हल्का गर्म करके पीस लें और पाउडर में कुछ मात्रा पानी का मिलाकर लेप को पूरी तरह अगर आप अपने शरीर पर करते हैं तो आपको अगर अधिक पसीना आने की शिकायत है ना, तो वो पसीना नहीं आएगा उस लेप के लगाने से। आपको अगर दांत, खाद, खुजली की समस्या है, जी हाँ, तो मूंग की दाल को छिलके सहित पीस लें और इस लेप को प्रभावित जगह पे, जहां पर आपको लगता है कि दाद है, खाज है, खुजली है, उस प्रभावित जगह पे उस लेप को लगाएं मरहम की तरह बड़े प्यार से, तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली उसमें आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। टाइफाइड होने पर इसके सेवन से रोगी को बहुत राहत मिलती है, लेकिन सादी मूंग की दाल का सेवन फायदेमंद रहता है। जी हाँ, सादी मूंग की दाल अगर आप खाते हैं तो टाइफाइड के रोगी को इससे बहुत फायदा मिलता है। और किसी भी बीमारी में अगर आदमी कमजोर हो जाता है, स्त्री, पुरुष, भाई, बहन, मोटा, पतला, कोई भी अगर कमजोर हो जाता है, उसे कमजोरी महसूस हो रही है बीमार होने के बाद, तो मूंग की दाल का सेवन करे तो उसके शरीर को दोबारा से ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमने आपको बताया कि मूंग की दाल कितनी फायदेमंद है। आप मूंग की दाल का अपने डेली रूटीन के आहार में इसका इस्तेमाल करें, चाहे खिचड़ी बनाकर खाएं, चाहे दाल बना के खाएं, आपको अवश्य उसका फायदा होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और अपना प्यार हम पर लुटाते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बस यही हमारी आपसे दुआएं हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।